संगीताज पैसन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही अलग होने वाली है, जो कि पनीर की है। बहुत ही अलग टेस्ट आएगा इस पनीर की सब्जी में। कैसे बनाए हैं ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। पनीर की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये पनीर लिए हैं। पनीर हमारी घर की ही बनाई हुई है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं पनीर। और ये धनिया की पत्ती है। और यहाँ हम कुछ सब्जियाँ लिए हैं। सब्जियों में ये हमने लहसुन, प्याज, प्याज को इस तरीके से काट लिए हैं। टमाटर है, टमाटर को भी इस तरीके से मोटे मोटे काट लिए हैं। ये शिमला मिर्च है, इसे इस तरीके से काट लिए हैं। और ये प्याज है, इसे खोलकर इस तरीके से काट लिए हैं। तो शिमला मिर्च और प्याज का हमें अलग इस्तेमाल करना है, और टमाटर, प्याज, लहसुन का हमें ग्रेवी बनाना है। और इन सारी सब्जियों का सीक्रेट मसाला है ये, जो सब्जियों का टेस्ट बढ़ा देगा। मसालों में हमने ये लौंग लिए हैं, इलायची है, सौंफ है, साबुत धनिया है, ये सूखी लाल मिर्च है, ये जीरा है, और ये काली मिर्च है। तो चलिए बनाने चलते हैं। तो पनीर को पहले हम काट लेते हैं इस तरीके से। पनीर हमारा बहुत सॉफ्ट है, आपको जैसा शेप देना होगा वैसा शेप में पनीर काट के आप बना सकते हैं। देख लीजिए कितना सॉफ्ट है ये पनीर। इस तरीके से हम पनीर को काट लेंगे। ये हमने सारे पनीर को देखिए इस तरीके से काट लिए हैं। अब चलिए चलते हैं इसे बना लेते हैं। गैस पे हम फ्राई पैन चढ़ा लिए हैं, और इसमें इन सारे मसाले को हम डालकर 2 मिनट रोस्ट करेंगे, वो भी हल्के आंच पे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इन मसालों को हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इन्हें पीसना है हमें। ये देखिए मसालों से खुशबू आने लगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं, हमें ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है। अब इन सारे मसालों को हम निकाल लेते हैं। चलते हैं इन्हें दरदरा कूट लेने। हम फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं, और अब हम इसमें तेल डालेंगे, और हम इसमें पनीर डाल के पनीर को फ्राई करेंगे इस तरीके से। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। सारे पनीर को हमने निकाल लिए हैं। अब जो तेल बचा है उसी तेल में हम ये लहसुन डालेंगे, ये प्याज डालेंगे, और इन्हें हमें थोड़ा गोल्डन होने तक भूनना है, क्योंकि हमें इसका ग्रेवी बनाना है। और अब हम यहाँ टमाटर डाल देंगे, इसे मिला लेते हैं। हमें प्याज, टमाटर, लहसुन का ग्रेवी बनाना है। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे, जिससे प्याज टमाटर जल्दी गल जाएगा। और इसे ठंडा करके इसका ग्रेवी बनाएंगे। इसे अब हम फ्राई पैन में थोड़ा तेल डालेंगे, और ये जो हम प्याज और शिमला मिर्च इस तरीके से मोटे मोटे जो काटे थे, इन्हें हमें 2 मिनट तक पकाना है।
इसमें हमें हल्का पकाना है, ज़्यादा नहीं, इसका क्रंचीपन ख़त्म नहीं करना है। ये शिमला मिर्च और प्याज हमारा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। प्याज और शिमला मिर्च निकाल लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा तेल बचा है तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, आप इसके जगह बटर भी डाल सकते हैं। और अब ये जो हम ग्रेवी बना के रखे थे प्याज टमाटर लहसुन का, इसे हम इसमें डाल देते हैं। और इसे मिलाते हैं। अब हम मसाले डालेंगे, ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 लाल मिर्च पाउडर। अब इन्हें हम अच्छा से मिला लेते हैं। ये देखिए, ये मसालों से घी हमारा निकलने लगा है। कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे मिला लेते हैं। और ये जो हम फ्राई करके रखे थे शिमला मिर्च और प्याज, इसे भी अब डाल देते हैं। और इसे मिला लेते हैं मसालों के साथ। और ये पनीर को भी डाल देते हैं। और अब हम ये जो सीक्रेट मसाला लिए हैं इसे हम डाल देंगे। ये देखिए, ये मसाले इतने टेस्टी हैं कि हमने सब्जी में ना तो काजू, मलाई, दही, दूध कुछ भी यूज़ नहीं किए हैं। सिर्फ ये मसाले डालने से सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो चलते हैं, ये सीक्रेट मसाला मिला देते हैं। और यहाँ हम थोड़ा और मिलाते हैं, ये 2 चम्मच हम इसमें ये मसाला मिला दिए। और इसे हम मिला लेते हैं। ये देखिए, सब्जी हमारा कितना अच्छा बन रहा है और टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा, और खुशबू तो ऐसी आ रही है, लग रहा है कि अभी ही इसे सब खा लें। तो बनाइएगा इस तरीके से ज़रूर, पनीर की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारा कढ़ाई पनीर बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है ये कढ़ाई पनीर। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।